हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम पोहा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है लगभग 2 कटोरी के आसपास पोहा। इसके अंदर मैं डालूँगा पानी। इस पानी को हमने इसके अंदर छोड़ना नहीं है, सिर्फ इसको धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस पानी को हाथों हाथ निकाल देंगे। पोहे को अच्छी तरह धोने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे नींबू का रस, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम पतीले के अंदर डालेंगे बॉइलिंग वाटर और इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। इसके बाद हम इस पोहे को डालेंगे इस छलनी के ऊपर और अच्छी तरह से फैला देंगे। छलनी को रखेंगे इस पतीले के ऊपर, इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे। इसे स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। पोहा अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे स्टीम से हटा लेंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पैन में हम डालेंगे देसी घी, इसमें हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने, कड़ी पत्ता जिनको मैंने क्रश कर लिया है, 2 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्का सा रोस्ट करेंगे तो हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब इस तड़के को हम इस पोहे के ऊपर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम फिर से पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पीनट्स और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे थोड़े से अनियन, साथ में रोस्ट किए हुए पीनट्स, थोड़ी सी मूंग दाल। अब अपने पसंद की नमकीन कोई भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा स्टीम पोहा, बहुत ही हेल्दी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और आने वाली और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।